हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल सूप की रेसिपी। मूंग दाल सूप के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, तो ये बेनिफिट्स देख लीजिए और इसके बाद मैं फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने मूंग दाल लिया छोटी कटोरी से, एक कटोरी। इसके बाद चॉप्ड किया हुआ कैरेट और चॉप्ड किया हुआ पोटैटो। इसके साथ मैंने मटर भी लिया है। ये सारे को अच्छे से वाश कर लेंगे। प्रेशर कुकर में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से डाल दिया। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी पानी, एक पीस टमाटर डालूंगी और इसमें थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और इसे चार विशिल आने तक पकाएंगे। आप चाहे तो इस तरह गर्मा गर्म बेबी को दे सकते हैं या तो फिर एक और फ्राई कर दे, जिससे बेबी के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। पैन को हीट किया और इसमें थोड़ा सा घी डाला और थोड़ा सा जीरा डाल दी। इसमें सूप को डाला और इसमें थोड़ा सा और मैंने पानी को ऐड कर दिया। अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बेबी के लिए सूप तैयार कर लिया। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप बेबी को वीक में 2 या 3 बार तो दे ही सकते हैं। ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।